स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये जो स्क्रीन मैंने आप सभी के सामने शेयर करी है, यहाँ पे देखिए आप, ये 12 भाव हैं हमारे। ये एक भाव हुआ, ये एक भाव हुआ, ये एक भाव हुआ, ये एक भाव हुआ। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको घर का, किचन का, टॉयलेट का एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हम अपने घर से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं और हमें पता है कि भाई किचन, टॉयलेट, इन सब का क्या एट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि आपका किचन जिस डायरेक्शन में हो, उस व्यक्ति का जरूरी नहीं है उसी डायरेक्शन में हो। उस व्यक्ति का किचन दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है, उस व्यक्ति का टॉयलेट भी दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ये भाव होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, यानी कि पहले भाव से हम खुद को देखते हैं। तो किसी का भी हॉरोस्कोप आ जाए, पहले भाव से हम खुद को ही देखेंगे। यानी कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं कि हम किसी के भी घर में चले जाएं, तो खाना तो रसोई में ही पकेगा। दिस इज द एट्रीब्यूट। अब अगर मैं राशियों की बात करूं, तो ये जो राशियां होती हैं, ये फ्लक्चुएटिंग होती हैं, ये मूव करती रहती हैं। अब इस राशियों का कंपैरिजन हमें किससे करना है? राशियों का कंपैरिजन हमें उस रसोई, बेडरूम और किचन से करना है कि व्यक्ति का अगर घर दूसरा है तो उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो जरूर बदल सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर किचन का, बेडरूम का जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ पर अगर ये किसी व्यक्ति का चार्ट है, तो अगर मुझे व्यक्ति की मैरिज लाइफ को देखना है, तो मुझे 7th हाउस को पकड़ना है, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अगर किसी का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो मुझे 4th हाउस को पकड़ना है, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ती है। इस सॉफ्टवेयर में आप देखिए, एक ही पेज पर आपको ये लगन भी दिख रही है, आपको ये केपी चार्ट, जिसे हम भाग्यचलित बोलते हैं, ये भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको कस्प की पोजीशन भी दिख रही है। यहाँ पे आपको कौन से प्लेनेट का कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है वो भी हमें दिख रहा है। जब हम एस्ट्रोसेट से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें एक ही उसको बहुत ज्यादा घुमाना पड़ता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दैट इज एज सिंपल एज दिस। अब यहाँ पर अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में मुझे जानना है, ये मेरे आगे चार्ट आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर केपी पढ़ रहे हैं, तो केपी में हम जो कस्प होते हैं उसको पकड़ के चलते हैं। वॉट इज कस्प? कस्प इज द फिजिकल अपियरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस। अब जैसे ये मैं हूं, तो आप मुझे देख सकते हैं, तो दिस इज माई बॉडी, लेकिन आप मेरी सोल को नहीं देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जो कस्प होता है, वो स्पेसिफिक हाउस की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बॉडी को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये मोटा है, पतला है, सुंदर है, गोरा है, काला है, ईमानदार है, नाटा है, ऐसे ही हम कस्प को देखने से ये समझते हैं कि इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी किस तरीके की होगी, इस व्यक्ति की वाइफ किस तरीके की होगी, इस व्यक्ति की जो बोली होगी वो किस तरीके की होगी। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधे कस्प को पकड़ती हूँ। ये एक व्यक्ति का चार्ट है। यहाँ पर देखिए, पहले हाउस का जो कस्प है वो राहु है। यहाँ पे देखिए, RL, STL, SL। RL का मतलब राशि लॉर्ड, STL का मतलब स्टार लॉर्ड, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड। स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड एक ही होते हैं, और ये है सब लॉर्ड। तो हम यहाँ पर सब लॉर्ड को पकड़ते हैं, यानी कि कस्प का पहला जो यहाँ पर बन रहा है, देखिए, वो राहु बन रहा है। तो राहु वाला जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? राहु का एट्रीब्यूट क्या होता है? बहुत चंड चालाक वाला व्यक्ति होगा। राहु को और पढ़ने के लिए हम क्या देखेंगे? राहु किसके नक्षत्र में है, या फिर राहु किसकी राशि में है। तो देखिए, यहाँ पर राहु जो है वो शनि की राशि में है। तो शनि का एट्रीब्यूट कैसा होता है? कर्म प्रधान, वो ज्यादा काम करने में बिलीव करता है। वो व्यक्ति
सही चीजों को सही, गलत चीजों को गलत बताता है। अगर मैं वाणी की बात करूं तो इस व्यक्ति जो हमारी वाणी होती है, बात होती है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेकंड हाउस का जो कस्प बन रहा है वो जुपिटर बन रहा है। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड? नेहा जी, अंतिमा जी, क्लियर है? ओके तो जब मैं सेकंड हाउस की बात कर रही हूँ तो सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? वाणी देखते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं? जुपिटर। तो जुपिटर कैसे होते हैं? बड़ी समझ